Good morning, students. कल हमने जो पिछले क्लासों में पढ़ा था वह था हैदर अली और टीपू सुल्तान। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्धों का वर्णन करें। कुल चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। इन युद्धों में अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और मैसूर राज्य की समाप्त हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं पहला युद्ध 1777, दूसरा युद्ध 1780 से 1784, तीसरा 1790 और चौथा और आखिरी युद्ध 1799 ईस्वी। हैदराबाद के निजाम जिसके शासक निजाम अली थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की और इस संधि के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र को कर्नाटक क्षेत्र कहलाता है या उत्तरी सरकार के क्षेत्र कहते हैं, वह क्षेत्र दान दिया था। और एक संधि के अनुसार उन्होंने निजाम को यह वादा किया था कि वो मैसूर के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने एक त्रिगुट कायम किया अंग्रेजों ने, वह था निजाम और मराठे के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया जो कि हैदर अली का त्रिगुट। हैदर अली मैसूर का शासक, ये मैसूर का जो क्षेत्र है ये मैसूर का शासक हैदर अली का, जो अपनी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। हैदर अली जब इस त्रिगुट के बारे में जानकारी मिली तो उसने कूटनीति का सहारा लिया और उस कूटनीति के सहारे में उसने मराठों को धन दे करके और निजाम को कुछ क्षेत्र देखने का वादा करके उसको इस कूट से अलग कर दिया। जब अंग्रेज अकेले पड़ गए तो उसने अंग्रेजों के प्रति एक युद्ध छेड़ा, लेकिन अंग्रेज बहुत तेजी से निजाम को अपनी ओर मिला लिए। इसके बावजूद हैदर अली ने निजाम और अंग्रेजी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। हालांकि इन दोनों ने मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था लेकिन उसमें उसको पराजय कहीं मुंह देखना पड़ा था। हैदर अली आगे बढ़ते हुए उसने मद्रास पर अब घेरा डाला और 1769 ईस्वी में उसने मद्रास को चारों ओर से घेर करके, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, अंग्रेजों को एक मजबूरी तौर पर संधि करने को वह दिया। यह तिरस्कारपुर संधि 1769 में हुई थी जो अंग्रेजों के विपरीत हुई थी। हालांकि मैसूर और अंग्रेज दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा दिए और एक संधि के अंतर्गत जो 1769 की जो संधि थी इसके अंतर्गत उन्होंने एक दूसरे को मदद देने का वादा किया। अगर कोई बाह्य शक्ति आक्रमण करती है तो इस संधि के अंदर दोनों एक दूसरे की मदद, और इस प्रकार 1769 ईस्वी में पहला युद्ध समाप्त हुआ। अगला हम देखते हैं कि 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो संधि के अनुसार अंग्रेजों को मदद देना था हैदर अली को, मगर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। अंग्रेजों ने जब आगे नहीं बढ़ा तो मैसूर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरा सोच ढूंढा और यह बहुत ही आवश्यक था उसके लिए ताकि वह अंग्रेजों से संघर्ष कर सके। अतः इसके लिए उसने फ्रांसीसियों से मदद ली, बंदूक बनाने, तोप का निर्माण कर दी, सोरा और गोला बारूद के लिए उसको फ्रांसीसियों से मदद मिली, काफी मदद मिली इस मामले में।
फिर माही जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इस तट पर पश्चिमी तट पर व्यापारिक केंद्र था, उसको लेकर के अंग्रेजों के साथ उसका झंझट हुआ। अंग्रेज ब्रिटिश माहे पर कब्जा करना चाहते थे। मैसूर के शासक हैदर अली ने इसे ऑफेंसिव समझा और यही कारण है कि इसका अंग्रेजों से द्वितीय युद्ध शुरू हुआ 1780। हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक क्षेत्र में आक्रमण किया जो अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र में, और वहां पर कर्नल वेली जो एक अनुभवी सेनापति थे उसको हरा दिया। कर्नल हराने ये वेली को हराने के बाद वह आगे बढ़ता हुआ चेन्नई यानी मद्रास पर की ओर आगे बढ़ा, परंतु उसके पहले ही पोर्टोनोवो और पालूर में इसको हार का सामना करना पड़ा और इसी प्रकार वह सोलिंगपुर में भी वह पराजित हुआ। लेकिन अगले ही साल 1781 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को हराया और समुद्र से उसका संपर्क काट दिया। समुद्र से संपर्क कटने से अंग्रेज कमजोर पड़ गए, क्योंकि अंग्रेज सामुद्रिक शक्ति की बदौलत ही वह भारत और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वह विजय पाए थे। इसके बाद उसने कर्नल ब्रेथवेट को भी हराया और इस प्रकार जय और पराजय दोनों का खेल चलता रहा। इसी दौरान 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई, परंतु उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा, क्योंकि वह योग्य पिता का योग्य पुत्र था और वीरता के साथ वह लड़ता रहा। अंत में 1784 ईस्वी में दोनों जब थकान होने लगी और हैदर की सामरिक क्षमता कम पड़ने लगी, उसकी सैन्य सामग्रियां कम पड़ने लगी, तो उसने युद्ध के लिए आगे बढ़ा मैंगलोर नामक स्थान पर 1784 ईस्वी में एक संधि हुआ और इस तरह द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। तो इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़े थे, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हुई। इसके बाद अगला युद्ध 1790 से 92 के दौरान चला। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल रूप आया। जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसकी इच्छा साम्राज्य विस्तार की थी, क्योंकि वह साम्राज्य विस्तार की इच्छा से लिप्सा से पूरी तरह सरोबोर था। लेकिन 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था, निर्माण किया गया था, तो उसके अनुसार साम्राज्य विस्तार की मनाही थी भारत में। लेकिन प्रारंभिक दौर में 1786 आने के बाद उसने साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, लेकिन ज्यादा दिन तक अपने को नहीं रोक पाया और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए विशेष रूप से मैसूर के राज्य को विजित करने के लिए उसने कई चाल चलने लगे। उसने एक ट्रिपेटाइट संधि की, त्रिपक्षीय संधि की, और यह वही संधि थी जो मराठे निजाम इन दोनों के साथ, मराठे और निजाम के साथ उसने संधि की और उनको क्षेत्र देने का वादा किया, और टीपू सुल्तान इसको देखते हुए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। उसने अपने आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने दूत विदेशों भेजा, कस्तूर दुनिया ने तुर्की में भेजा और फ्रांस में भेजा, इनके अलावा ईरान और तेगू में भेजा, और उनसे सहयोग की भी अपेक्षा रखा और इस तरह उसका बढ़ने लगा। उसने एक त्रवणकोर के मामला उसके समक्ष अब आ गया। त्रवणकोर को लेकर के अंग्रेजों के साथ इसका डिस्प्यूट हो गया। त्रवणकोर चैकोटा और क्रैंगलूर को जो कोचिन रियासत के क्षेत्र थे उसने उसको खरीदने की कोशिश की। चूंकि टीपू कोचिन रियासत को अपना हिस्सा मानता था, जब अंग्रेजों ने
देखा इस तरह की हो रही है, तो उन्होंने त्रावणकोर के राजा का पक्ष लिया, क्योंकि उनके साथ उनका पहले ही एक संधि हो चुकी थी और वो उस संधि के अनुसार वो त्रावणकोर का पक्ष ले रहे थे। और दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस मैसूर से युद्ध करने का बहाना ढूंढ भी रहा था, और त्रावणकोर का बहाना लेकर के उसने मैसूर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। शुरुआती दौर में टिपू सुल्तान को काफी सफलता मिली, परंतु कालांतर में कॉर्नवालिस ने बड़ी सेना लेकर के वेल्लोर अम्बूर को जीतता हुआ बेंगलोर तक आ पहुंचा, और 1791 ईस्वी में उसने बेंगलोर पर अपना कब्जा जमा लिया। कालांतर में उसने रंगपट्टम की ओर आगे बढ़ा, अंत में टीपू सुल्तान को संधि के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा और ये युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा। यही वजह है कि जब संधि हुई, ये संधि 1792 ईस्वी में श्री रंगपट्टम के संधि के नाम से जानी जाती है, इसमें टीपू को आधे से अधिक अपने किले अंग्रेज सौंपने पड़ा, 30,00,000 पाउंड सौंपना पड़ा खजाने के रूप में, अपने दो पुत्रों को बंधक के रूप में सौंपना पड़ा, और इस प्रकार टीपू की शक्ति आधी रह गई। इधर मराठों को भी कुछ उत्तरी तुंगभद्रा के क्षेत्र में, तुंगभद्रा के जो क्षेत्र है नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ तुंगभद्रा, उसको मराठे को दिया गया, और कुछ पेन्नार और कृष्णा नदी के जो क्षेत्र हैं वो निजाम को दिया गया। इसलिए टीपू का क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी नुकसान हुआ, लेकिन टीपू ने हार नहीं। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उसका समुद्र से भी संपर्क किया गया। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ले, इसका पूरा नाम लॉर्ड मरिंगटन वेलेस्ले था, भारत का गवर्नर जनरल कराया, वह घोर साम्राज्यवादी था। उसने आते ही सब्सिडियरी एंड सहायक संधि लागू किया। वह एक नीति थी जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय राज्य को अंग्रेजी रेजिडेंट और उसकी सेना को रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था, बदले में अंग्रेज उसे वायु सुरक्षा प्रदान करते थे, और ये वादा करते थे कि आंतरिक मामलों में वो कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन होता उल्टा था, वो आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करते थे और वायु सुरक्षा वो क्या देंगे जो खुद आक्रमणकारी हैं। खैर जो भी हो, उसने टीपू पर यह कहा, दबाव डाला कि वो सब्सिडियरी अलायंस अपनाए। टीपू ने इसको स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया। हाँ, निजाम ने जरूर स्वीकार कर लिया। फिर उसने निजाम और मराठों के साथ एक गुट बनाया और आगे टीपू की ओर आक्रमण करने के लिए अग्रसर। टीपू अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा खोलना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसको शक्ति मजबूती करनी थी, और अफगानिस्तान और कस्तुनतुनिया जैसे क्षेत्रों पर उसने अपने राजदूत भेज करके अपना संपर्क बढ़ाया। लेकिन इनके संपर्क बढ़ाने को अंग्रेजों ने गलत दृष्टिकोण से देखा। उसने पर इल्जाम लगाया कि विदेशियों से मिल करके वह अंग्रेजों को विरुद्ध षड्यंत्र रचना, जबकि हकीकत की मात्र 12-14 सैनिकी जो विदेशियों से आए थे वो रोजगार की तलाश में आए थे, लेकिन उस पर इल्जाम लगाया गया, और 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू की अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मृत्यु हुई। लेकिन इसके पहले उसने कई युद्धों का सामना किया, उसे कई युद्धों को सामना करते हुए पराजय के
देखना पड़ा था, लेकिन अंत में वो अपने किले के सुरक्षा के लिए आ गया और किले की सुरक्षा करता हुआ अपने किले के फाटक पर हुआ लड़ता हुआ किले की सुरक्षा करता हुआ वीर को प्राप्त हुआ। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू मरा तो मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धर्मपुर, धारपुर, मैसूर और अन्य क्षेत्रों को जीता और उस राज्य को कई हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और इस छोटे हिस्सों में एक निजाम को दिया, एक मराठे को दिया, जो अधिकांश हिस्सा था जो लैंड से था उसे कब्जा कर लिया और मैसूर को पुराने वडियार डायनेस्टी यानी पुराने वडियार वंश के बालक को राजा बनाकर रखा गया। क्योंकि मैसूर राज पूरी तरह नहीं हर पा गया, कोई यह न कह सके मैसूर पूरी तरह हड़प लिया गया, इसलिए वहां पर एक राजकुमार जो मात्र बालक था उसको राजा बनाया गया, उसके रिजेंट के रूप में अंग्रेज वहां। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 युद्धों के पश्चात मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार है, लेकिन टीपू लड़ते हुए मारा गया, उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, सबसे नहीं स्वीकार किया। उसका मानना है, कहना था कि काफिलों की दयनीय स्थिति की तरह रहने से अच्छा है पेंशन प्राप्त नवाबों की सूची में अपना राज्य का नाम लिखवाने और अपना नवाब के रूप में नाम लिखवाने से अच्छा है कि वीरता से लड़ते हुए अपने राज्य की रक्षा करते हुए सदगति प्राप्त करना बेहतर है। वह शेरों की तरह 2 दिन जिंदगी जीना बेहतर है बनिस्पत एक भेड़ बकरियों की तरह लंबी जिंदगी जीना। इस प्रकार हम देखते हैं 4 युद्धों के पश्चात किस तरह से अंग्रेजी समाज में जाते हैं।